खेती बाड़ी पर आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमनी बहन। नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान उठा सकते हैं आत्मा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभ। भारतीय कृषि रसायन उद्योग से प्रति वर्ष 12% की वृद्धि। देर से गेहूं लगाने के लिए करें HUW 234 का चुनाव। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में खेती की तरक्की के लिए किसानों के कृषि कौशल ज्ञान को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य को लेकर कृषि प्रौद्योगिक प्रबंधन अभिकरण यानी आत्मा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत अंतर्राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें 25 किसानों को चिन्हित संस्थानों में 3 से 5 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में फसल संरक्षण उद्योग ने काफी तरक्की की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कृषि रासायनिक उद्योग प्रतिवर्ष 12 से 13% की वृद्धि दर से वर्ष 2019 तक $7.5 अरब हो जाने का अनुमान है। टाटा स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट ग्रुप ने अपने एग्रोकेमिकल रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय फसल संरक्षण उद्योग चालू वित्तीय वर्ष में $4.25 अरब हो जाने का अनुमान है, जिसमें 50% निर्यात की भागीदारी है। राज्य के जो किसान आलू फसल की खेती कर रहे हैं, वो अपनी फसल को अगेती या पिछेती झुलसा रोग से बचाने के लिए डाइथेन M45 या ब्लू कॉपर या ब्लाइटर्स या रिडोमिल दवा से बने घोल का छिड़काव करें। आलू में अगेती झुलसा रोग हो तो पत्तियों पर छोटे फीके भूरे रंग के चमकदार धब्बे बन जाते हैं। नीचे की पत्तियाँ पहले संक्रमित होती हैं, उसके बाद ये रोग ऊपर की ओर बढ़ता है, जबकि पिछेती झुलसा होने से पत्तियों के किनारे वाले भाग पर भूरे धब्बे शुरू होकर अन्य भागों पर फैल जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए किन दवाइयों का कितनी मात्रा में उपयोग करें, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। आलू में लगने वाली जो अगेती और पिछेती झुलसा है, इसके लिए किसान भाइयों को थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आने वाला महीना है दिसंबर जनवरी, इसमें जो है बीमारी आने के पूरे आसार होते हैं। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए आप शुरू से ही जो है दवाओं का छिड़काव करना प्रारंभ कर दें तो आपके खेत में बीमारी नहीं आएगी। बचाव के लिए किसान भाइयों को डायथेन M45 ले लें और उसको जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें। यह दवा उपलब्ध न हो तो आप ले लीजिए ब्लू कापर या ब्लाइटक्स 50 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें। यदि यह भी दवा उपलब्ध नहीं है तो आप रिडोमिल ले सकते हैं, उसको जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो आप अपनी फसल में स्पेशली आलू में अगेती और पिछेती झुलसा से अपनी फसल को बचा सकते हैं। जो किसान अभी गेहूं की बुआई नहीं कर पाए हैं, वो देर से लगाए जाने वाले उन्नत प्रभेदों का चयन करें। गेहूं के उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में आइए जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। देर से जो किसान भाई लगाना चाहते हैं तो उसके लिए HUW 234 है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अनुशंसित है। उसके अलावा DVW 14 जो आपके करनाल से अनुशंसित है। उसके बाद DL 788-2 है, वो भी देर के लिए काफ़ी अच्छी, देर से लगाने में काफ़ी अच्छी उपज देती है। तो ये 6-7 किस्में हैं जिनको अलग अलग अवधि में के समय में अलग अलग समय में इन लोगों को लगाएंगे। किसान भाई सब्जी के बीचड़े या नर्सरी में लगे पौधों पर दवा का छिड़काव करने के लिए छोटा स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 लीटर तक तरल घोल डाला जा सकता है। इसे 8 से 10 बार पंप कर देने से प्रेशर तैयार हो जाता है और एक बटन को दबाने से अपने आप घोल का छिड़काव होने लगता है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई, अगर आपके पौधशाला में टमाटर का बिचड़ा तैयार होने की स्थिति में है तो उसे खेत में रोपने से 3-4 दिन पहले इमिडाक्लोप्रिड 0.3% दवा से बने घोल को पौधों की जड़ों में डालें। इसके बाद पौधारोपण करने से
टमाटर फसल में माहो, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीट नहीं लगते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। मंडी भाव आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2150 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 4100 रुपए, गेहूँ 1600 रुपए से 1800 रुपए, चना 3200 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 6400 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 6000 रुपए से 7000 रुपए, दाल चना 3600 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1700 रुपए से 1800 और प्याज 1600 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ। और जानकारियाँ भी बहुत कुछ बाकी है किसान भाई बहनों, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो अब बारी आती है जानकारी की। तो मास्टर जी, आज आप हमारे किसान भाई बहनों के लिए कौन सी नई जानकारी लेकर आए हैं? आज जानकारी तो लेकर आए हैं, लेकिन जानकारी से पहले एक शायरी मुझे बोलने का मन कर रहा है। जी जी बोलिए। बिल्कुल। तैरना है तो बीच तालाब में तैरो, किनारे में क्या रखा है, और खेती करनी है तो वैज्ञानिक करो, साधारण में क्या रखा है। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो आज किसान भाइयों, हम आपको देंगे वैज्ञानिक खेती जो होती है वो किस तरह से करेंगे। लेकिन अभी जो है मौसम है, किसान भाई जो है धान की कटनी जो होता है वो हो चुका है, अब गेहूं की तैयारी कर रहे हैं। तो गेहूं की जो वैज्ञानिक खेती होती है और उसके जो प्रभेद होते हैं, अगर इस पे किसान भाई ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनकी उपज जो है काफ़ी ज़्यादा होगी और काफ़ी कमाई भी करेंगे। तो इसी विषय को लेकर हमारे विशेषज्ञ जो है स्टूडियो में बैठे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं स्टूडियो, लेकिन जाने से पहले एक आपके पास नंबर होना चाहिए और नंबर तो हमेशा आप ही बताती हैं, तो आप भी बताइए। तो किसान भाई बहनों, उठाइए अपना फोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800-3456-519 और ये कॉल बिल्कुल मुफ्त है। क्यों मास्टर जी? बिल्कुल, लाख रुपए की जानकारी मुफ्त में। तो सीधा चलते हैं स्टूडियो। खेती बाड़ी के हर बात हमारे साथ, जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की उन्नत खेती और उनके प्रभेदों के चुनाव के बारे में,
और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नैयर अली, जो कि वैज्ञानिक हैं शस्य विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। किसान भाइयों, मेरा नमस्कार आप लोगों को। किसान भाइयों, अगर गेहूं फसल के संबंध में आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप सीधे सीधे हमारे वैज्ञानिक से, हमारे विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई किसान हमारे साथ जुड़े, इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि गेहूं की फसल बहुत सारे किसान भाई लगा चुके हैं और बहुत सारे किसान भाई नहीं भी लगाए हैं, जो लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जो लगा चुके हैं वो इस वक्त कौन कौन सी सावधानियाँ अपनाएं? एक्चुअली जो झारखंड में जो गेहूं बोने का समय होता है वो 15 नवंबर से लेकर के हम लोग 30 नवंबर तक जो गेहूं लगाते हैं उसको सामान्य बुआई का समय हम लोग मानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो धान जल्दी काट लिए होंगे और अभी तक गेहूं की बुआई कर चुके होंगे, तो मेरे ख्याल से उनका करीब 25 दिन के आसपास का पौधा हो गया होगा। तो हम किसान भाई से कहना चाहेंगे कि पहली सिंचाई जो है वो 20 से 25 दिन के अंदर एक दे दें। साथ ही किसान भाई से हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो नत्रजन की जो आधी मात्रा है और जो फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा जो है वो बुआई के समय में दे दिए होंगे, और जो नत्रजन की आधी मात्रा जो बचती है उसकी आधी मात्रा भी 25 दिन में आप सिंचाई के साथ ही उसमें छिड़काव करते हैं। बिल्कुल, ये तो बात होगी जो किसान भाई जो सामान्य बुआई कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके खेतों में धान लगी हुई होती है, धान की फसल होती है, और किसी कारणवश देर से फसल लगाते हैं, तो जो किसान भाई नवंबर के महीने में नहीं लगा सके हैं वो इस वक्त कौन कौन से प्रभेद चुने और कौन कौन सी सावधानियां अपनाएं? असल में जो किसान भाइयों को सावधानी बरतनी चाहिए कि जो अगात किस्में जी जो हम सामान्य बुआई के समय में लगाते हैं, लेकिन अब तो अगात का समय निकल गया, अब दिसंबर का महीना है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि इसमें जो है जो पिछात बुआई के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं झारखंड के लिए, जैसे HD 2643 है, DBW 14 है, उसके बाद DL 788-2 है, Raj 3765 है, ये कुछ किस्में हैं, HUW 234, ये पांच किस्में जो है वो किसान भाई पिछात बुआई में यानी दिसंबर में अब जो बुआई करेंगे, क्योंकि धान काटने में किसान को देर हो जाता है, देर होने के चलते बुआई करने में भी देरी आ जाती, तो इन किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि इनकी बुआई ये पांच किस्मों को लेकर कर गए। उसके बाद जो बीज दर होगा, पहले सामान्य बुआई में हम लोग किसान को सुझाव देते हैं कि 100 kg जो है बीज प्रति हेक्टेयर के दर से वो दें, लेकिन जैसे ही आप सामान्य बुआई से पिछात में चले जाते हैं तो उसमें 25 किलोग्राम जो है बीज दर बढ़ा देना पड़ता है। अच्छा। यानी 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से वो बीज का उपयोग करें। बिल्कुल, यानी बीज दर बढ़ा दें। बिल्कुल सामान्य। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो फसल लगाते हैं लेकिन उनको देर हो जाती है, इस पर हम बात करने के लिए पहले फोन लगा लेते हैं। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार जी। अभी मतलब कहाँ पे खेती कर सकते हैं, अभी सही टाइम है जी? एक बार आप अपना प्रश्न फिर से दोहरा लें जी। अभी धान की मतलब कटाई की है, गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं, तो अभी अभी समय सही है कि? बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर हमारी बातचीत भी हो रही है जी। किसान भाई, अभी बिल्कुल उपयुक्त समय है, और हमने जैसा बताया कि HU 234, HUW 234, DBW 14, HD 2643 ये जो किस्में हैं वो अभी समय इस समय लगाने की सही वक्त है, और इन किस्मों को आप लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उपज मिलेगा, और उपज में उस तरह का कोई कमी नहीं होगा जो दूसरे किस्मों को लगाएंगे। तो अभी एकदम उपयुक्त समय है लगाने का, और आप 15 दिसंबर तक आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे थे कि कई तकनीकें अभी विकसित हुई हैं, लोग जुताई करते हैं उसके बाद लगाते हैं, उससे काफ़ी समय निकल जाता है, तो कौन सा तकनीक इस वक्त किसान अपनाए कि धान की खेती करने के तुरंत बाद वो अपनी फसल को लगा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो। हेलो हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
तो कौन सा तरीका वो अपनाएं ताकि वो अभी सीधे बुआई कर जी ले? अभी हम लोगों का जो वैज्ञानिकों का जो है ये कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का क्षरण नहीं हो, इसको रोकने के लिए हम लोग बोलते हैं किसान भाइयों को कि धान जब काटते हैं अब तो उसमें पूरा नमी है, तो आप सीधे जो है धान गेहूं की बुआई जो है सिर्फ उसमें फारो जो है वो ओपन कीजिए, वो उसको खोलिए और उसमें जो है बीज और खाद एक साथ डालिए और आपको और जुताई करने का ज़रूरत नहीं है जी। बाकी चीज़ें जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप 30 दिन का जब गेहूं का पौधा हो जाए तो 2,4-D नाम की एक दवा आती है जो चौड़ी पत्ती वाली, उसका उपयोग कर सकते जी वो उपयोग करें। बिल्कुल, एक फोन ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। जी सर नमस्कार, क्या प्रश्न है आपका? जी सर, गेहूं लगाए हुए हैं, वो मेरा 20 दिन हो गया, पीला हो जा रहा है। अच्छा, अब भर नहीं रहा जी, इसलिए क्या किया जाए? किसान भाइयों, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि आप करीब 40 किलोग्राम जो है यूरिया का छिड़काव एक खेत में नमी रहे उसके साथ में 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से जो है एक बार आप यूरिया का छिड़काव अभी तुरंत कर दीजिए, वो पीलापन आपका दूर हो जाएगा। और यदि किसी कारण बस पानी जमा हो तो पानी जमा नहीं रहने दें, पानी जमा होने से भी पीला हो जाता है, नहीं तो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई है, नाइट्रोजन की, तो कम से कम 40 किलोग्राम जो है उसका छिड़काव कर दें। ये प्रति हेक्टेयर की दर से? प्रति हेक्टेयर की दर से। बिल्कुल, उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये जब हम बात करते हैं प्रभेदों की, कई बार किसान भाई कहते हैं कि प्रभेद हम चुने अच्छा लेकिन खेती नहीं हो पाई, कुछ रोग आ गया, तो इसका क्या कारण है? क्या बीजोपचार कितना महत्वपूर्ण है इस दिशा में? बीजोपचार इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है गेहूँ में, खास करके जितने भी किस्में अभी हैं उसमें ज़्यादातर में तो किसी तरह का रोग नहीं लगता जी। लेकिन फिर भी किसान भाइयों को चाहिए कि जिस तरह बच्चे का टीकाकरण करते हैं उस तरह बीज उपचार करें, और उनको चाहिए कि वेबस्टिन जो है 2 से 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज के दर से बीज उपचार करें, तो हम समझते हैं कि जिस तरह का भी बीमारी होगा गेहूँ में वो नहीं लगेगा और किसान को सही फसल और सही उपज उनको मिलेगा। बिल्कुल, झारखंड में डॉक्टर साहब एक बड़ी समस्या है, कई बार दीमक लग जाता है खेत में और दीमक लगने की वजह से बहुत नुकसान होने लगता है किसान भाइयों को। ऐसे में किसान भाई जिनके खेतों में दीमक लग जाए वो क्या करें? किसान भाइयों, हम ये कहना चाहेंगे कि चूँकि हमारी जो मिट्टी है वो अम्लीय है और जैसे ही मिट्टी में नमी की कमी होती है दीमक का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है, तो हम किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि जब वो रोपाई कर रहे हों, तो जब वो बुआई कर रहे हों उसी समय 25 किलोग्राम क्लोरीपाइरीफॉस की जो आती है डस्ट आती है उसको मिट्टी में मिला दें और उसके साथ में बुआई कर दें, तो हम समझते हैं कि आने वाले दिन में दीमक की कमी नहीं होगा। और ध्यान ये भी दें कि आपके खेत में नमी का कमी नहीं हो, नमी का कमी होने से भी दीमक हो जाता है जी। अगर नमी हो तो उसमें कई तरह की समस्याएं आ सकती जी, उसमें नमी होने से समस्या नहीं आती, कमी होने पर नमी की अगर कमी हो जाती है तो ऐसे में मुश्किल होता है, दीमक उसका प्रकोप बहुत ज्यादा उसमें बढ़ जाता है। और प्रभेदों के बारे जब हम बात कर रहे थे तो कतार से कतार की दूरी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो क्या कुछ कतार से कतार की दूरी पर भी किसान भाइयों को सावधानियां बरतनी चाहिए? इसमें जैसे सामान्य जो अभी का समय है जो नवंबर में किसान भाई लगाए होंगे, तो उसमें हम लोग किसान भाइयों को बोलते हैं कि करीब करीब 22.5 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर जो है कतार से कतार की वो दूरी रखें, और जैसे ही बुआई वो पिछात हो जाता है तो उसमें 20 सेंटीमीटर कतार से कतार की वो दूरी कर दें। यही हम किसान को बोलते हैं, और उसमें बीज दर बोलते हैं कि आप 25% बढ़ा दीजिए, यानी 25 KG 125 KG यदि आप पिछात लगा रहे हैं तो घात में 100 KG तो पिछात में 125 KG जी। कई बार ऐसा होता है कि गेहूं की खेती किसान भाई लगा चुके हैं और कई तरह के खरपतवार उसमें निकल आते हैं, तो खरपतवार का जब नियंत्रण करने की बात आती है तो किसान भाई क्या उपाय अपनाए? किसान भाइयों को हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में जो है सक्री पत्ती वाले खरपतवार जो है उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है गेहूं के फसल में, वो जनरल सामान्यतः चौड़ी पत्ती वाली जो खरपतवार है जैसे भथुआ है या कुछ और है चौड़ी पत्ती वाली, उसकी प्रकोप होती है। तो किसान भाइयों से हम ये कहना चाहेंगे कि 30 से 35 दिन के अंदर में जो है वो 0.5 किलोग्राम जो है 2,4-D नाम की एक खरपतवार नाशी आती है, जिसका उपयोग 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके
30 से 20 दिन का जब आपका फसल हो जाए उस समय उसको स्प्रे कर दीजिए। तो स्प्रे करने से जितने चौड़ी पत्ती वाले हैं सारे मर जाएंगे, यहाँ गेहूं के फसल को कोई नुकसान नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि ये सकरी पत्ती वाली है। जी, और सिंचाई कितना ज़रूरी है, कब कब सिंचाई करें किसान भाई? सिंचाई गेहूं में बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, हम ये कहना चाहेंगे। सिंचाई के बारे में बात करेंगे, पहले फोन ले लेते हैं। हेलो, आप गेहूं लगाना चाह रहे हैं तो कौन कौन सा खाद उसमें डालेंगे, इसीलिए फोन किए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। जी जी, ये हमारे साथ जो किसान भाई जुड़े थे वो जानना चाह रहे थे कि जो फसल लगा है, बिल्कुल हम भी यही प्रश्न जानते हैं, उर्वरकों का प्रयोग किस तरह से करें? किसान भाइयों से हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग 120 किलोग्राम जो है नेत्रजन और 60 किलोग्राम जो है फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश, इसका हम लोग उपयोग करने के लिए किसान भाइयों को बोलते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है यानी 60 केजी जो है वो आप यूरिया के रूप में दे दें, समझ रहे हैं ना जी। और यदि आप डीएपी के रूप में देते हैं तो डीएपी के रूप में दें और बाद में यूरिया का छिड़काव करें, साथ में फास्फोरस जो है 60 किलोग्राम के आसपास आपको देना है, पोटाश भी उसी तरह देना है 40 किलोग्राम के आसपास जब आप रोपाई कर रहे हैं, यहाँ बुआई कर रहे हैं। यहाँ भी ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि आप 5 टन सड़ी हुई गोबर देते हैं तो उसी अनुपात में जो है नत्रजन की मात्रा घटा दें, तब 100 केजी ही नत्रजन दें और 5 टन जो है सड़ी हुई गोबर खाद जो है 10 दिन पहले उसमें मिला दें मिट्टी में, तो बहुत अच्छा मिट्टी की उर्वरा शक्ति हमेशा बनी रहती है। इसलिए किसान भाइयों को हम ये कहना चाहेंगे कि गोबर की सड़ी हुई खाद और रासायनिक खाद जो है दोनों का उपयोग करें। बिल्कुल, इससे पहले हम सिंचाई की बात कर रहे थे। जी जी, कितना महत्वपूर्ण होता है सिंचाई गेहूँ की फसल के? गेहूँ की फसल सिंचाई के बगैर गेहूँ की फसल की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। जैसा हम लोग झारखंड में जानते हैं कि 8 से 10% सिंचित क्षेत्र है, तो इसी में करीब करीब 1 लाख हेक्टेयर के आसपास में गेहूँ की खेती होती है। तो किसान भाइयों से हम कहना चाहेंगे कि गेहूं का जो कुछ अवस्था है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सिंचाई देना, जैसे जब बुआई करते हैं उस समय आपका पूरा नमी होना चाहिए, उसके 21 से 25 दिन के बाद पहली सिंचाई आपको देना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसको हम लोग CRI स्टेज बोलते हैं वैज्ञानिक टर्म में। उसके बाद जो दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है आपको जब टीलर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं उस समय, तो दूसरी सिंचाई करीब 40 से 45 दिन के आसपास दें। तीसरी सिंचाई जो है 65 से 70 दिन के आसपास दें जब वो गांठ बनने की अवस्था होती है। उसके बाद जो होती है बाली निकलने की अवस्था वो करीब 80 से 85 दिन के आसपास उसमें दें। उसके बाद फिर आप फूल निकलने की अवस्था होती है उसमें एक बार दे दें। फिर दाना जब फूल में आपके दाने में जब दूध वाली अवस्था होती है और दाना धीरे धीरे भरने लगता है तो उस समय एक सिंचाई कर दें। तो इस तरह से इन अवस्थाओं में हम समझते हैं कि 5 से 6 सिंचाई, यदि आप मध्यम जमीन है तो उसमें आपको 5 से 6 सिंचाई में आपका हो सकता है। यदि किसान भाई के पास 2 ही सिंचाई हो तो पहली सिंचाई वो 20 दिन से 25 दिन के अंदर में दे, दूसरी सिंचाई जब गांठ बनने लगती है उस समय वो दे। बिल्कुल, और यदि 3 सिंचाई हो तो आप पहली सिंचाई 20 से 25 दिन में, दूसरी गांठ बनने वाली और तीसरी जो है फूल जब खिला हो उस समय दे दीजिए, 3 सिंचाई दे। बिल्कुल, एक फोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि जी जो हम लोग गेहूँ की फसल जब उग चुकी है तो उसे मतलब सिंचाई की कोई अवधि होनी चाहिए? सिंचाई की अवधि, बिल्कुल, हम उसी विषय पर अभी, हम अगर आप सुन रहे थे तो हम इसी विषय पर बातचीत भी कर रहे थे। जी जी, उसी विषय पर जी, सिंचाई की अवधि के बारे फिर, चूंकि किसान भाई हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे देर से जुड़े, इसका एक बार फिर से जवाब। तो किसान का, हम जानते हैं कि जो गेहूं की फसल है करीब करीब 120 दिन के आसपास में पक जाता है जी। तो हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि पहली नमी तो आपके खेत में होनी चाहिए, तभी आपका वो उसका जर्मिनेशन होगा, वो ऊपर निकलेगा। और उसके बाद जो सिंचाई आप देना शुरू करेंगे तो 20 से 25 दिन में पहली सिंचाई आपको देना हर हाल में जी, जो अभी जो पहले लगा चुके हैं वो उनका भी 20 से 25 दिन का है वो अभी दे दें। हाँ, और एक छिड़काव भी करना है, नाइट्रोजन की जो मात्रा आधी बची है उसकी आधी का जी। उसके बाद ये दूसरी सिंचाई जो है 40 से 45 दिन में दे, और तीसरी सिंचाई जो है 60 से 65 दिन में, और चौथी सिंचाई उसी तरह 80 से 85 दिन में दे,
उसी तरह फिर आपका पांचवी सिंचाई जो है 105 दिन के आसपास में दें। यहाँ यह भी ध्यान रखने का जरूरत है कि मिट्टी किस तरह का है। मिट्टी यदि हल्की है तो उसमें आपको और सिंचाई देने का आवश्यकता होता है। हर एक 10 दिन के बाद आपको एक सिंचाई देना पड़ता देना है। पड़ता है बिल्कुल। एक और फोन, हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे किसान लगाते हैं फसल को और जब बाली आने का समय होता है तो वो बाली सही ढंग से नहीं निकल पाता है, उसमें सिर्फ पौधा बड़ा हो जाता है लेकिन बाली नहीं निकल पाता है। क्या कारण होता है इसका अमूमन? इसका अमूमन कारण तो ये होता है कि किसान भाई जो है सही मात्रा में उर्वरक नहीं देते। दूसरे कारण ये भी अभी देखने को आ रहा है कि हमारे यहाँ जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इस पर हम बात करें, पहले फोन ले लेते हैं। हेलो, हेलो, हेलो जी, नमस्कार। हम ये आपका गेहूँ लगाए हैं जी, उसमें पूरा कीट एकदम पूरा भर्ती है, छोटा छोटा पंख वाला उड़ रहा है। अच्छा, तो उसमें क्या किया जाए अभी? बिल्कुल जी, कीट लग गया है इनके ये में, गेहूं लगा है फसल, उसमें छोटे छोटे कीट लग गए हैं, वो पंख वाले कीट हैं। अच्छा, पंख वाले कीट है तो उसमें बहुत ज़्यादा गेहूं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए इसमें घबराने का किसान भाई को कोई खास जरूरत नहीं है। दीमक हो तो उसका कोई हो सकता है, लेकिन इस तरह का उड़ रहा है तो ये सब कोई सामान्य बात है, इसमें किसी तरह का नहीं है कोई इस तरह का। यदि उनको लगता है कि इस तरह में ज्यादा हो सकते हैं तो मोनोसिल नाम की जो दवा आती है उसका उपयोग कर सकते हैं जी। अभी हम इससे पहले ये पूछ रहे थे कि जो किसान भाई लगाते हैं और कई बार होता है कि फसल अंतिम समय में वो फल, उसका जो फसल है वो ठीक नहीं हो पाता है, तो क्या कारण हो सकते हैं? उस समय पहले ये कारण है कि जो पिछात किस्म है, पिछात में आप लगाते हैं, देर से लगाते हैं, लेकिन उसमें जो किस्मों का चुनाव करते हैं वो अगात किस्म का चुनाव कर लेते हैं, और जो ज़्यादा दिन का जिसको हम लोग जड़हन बोलते हैं, जड़हन गेहूँ जी, तो जड़हन गेहूँ को यदि आप देर से लगाएंगे तो जब वो फूल निकलने का समय होगा उस समय क्या होगा, तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, तो उससे क्या होता है कि परागकण जो होते हैं वो सूख जाते हैं। जब परागकण सूख जाते हैं तब क्या होगा कि आपका जो दाना है वो बनेगा ही नहीं। इसलिए किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो पिछात बुआई करें तो छोटी अवधि की जो किस्में हैं, जो 110 दिन के हैं, 115 दिन के हैं, उस तरह के किस्मों का चुनाव करें। जैसा हमने बताया कि DVW आपके 14 है, HD 2643 है, DL 788-2 है, HUW 234 है, तो इन किस्मों का चुनाव करें और इन किस्मों को सही जो है मान्यता प्राप्त या सही जो दुकान है बीज का जी, उसी से खरीदें। कई बार ऐसा होता है कि बीज जो है कहीं से भी किसान खरीद लेते हैं तो उसमें जो होता है कि वो अच्छा फिर उनको बीज की जो किस्म है वो नहीं मिल पाती है और उसमें बहुत बड़ा उनको हानि हो जाता है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कई बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने जो सामान्य बुआई है उसमें इसकी बुआई कर रखी है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर पिछात बुआई कर रहे हैं तो प्रभेदों के चुनाव में निश्चित रूप से बहुत सावधानी अपनाएं। जी जी। साथ ही साथ आप जब सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई का भी वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ध्यान दें कि कब आपको सिंचाई करना है। और जब आप प्रभेदों का चुनाव कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रामाणिक बीज लें और बीजोपचार अवश्य करें। कई तरह की और बहुत सारी महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो कि हमारे डॉक्टर साहब ने आज आपको बताया। आप इन तमाम बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपकी फसल होगी। आप सफल रहें, समृद्ध हों। किसान भाइयों, इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, जोहार।